हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। होली शुचिता जी के साथ होली मना रहा हूं मैं, एंड आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी कि आई आई गेस माइकल से पहले मुझे कलर लग रहा है ना। ओ एग्जैक्टली वाओ यस, शुचिता जी हैप्पी होली। आप इसी तरीके से हंसती रहें, गुदगुदाती रहें और आपकी जिंदगी में इसी तरीके से सारी खुशियां आए। दोस्तों इस वक्त टेली खजाना पे हैं हमारे साथ श्रीजीता डे, जिन्होंने बिग बॉस में धमाल मचाया। ओहो राइट, धमाल मचाया ही मचाया। और आप जब सेकंड बार एंट्री कर कर आए थे, मुझे लगा ये बंदी बहुत आगे जाएगी। और एक जो आपने किया था ना, वो मैं कैमरे के आगे एक्सप्रेशंस देखती हूँ वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत शालिन को बुला के आज आज हाँ, हग वो करती बहुत। हूँ। वो कैसी हो आप अभी, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं ऑनेस्टली बिग बॉस के बाद इतने हमारे पार्टीज चल रहे हैं और इतना कुछ कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा है कि अभी तक ना समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक बिग बॉस खत्म हो चुका है ये समझ आ रहा है, बट अभी तक यू नो लाइक प्रॉपरली रियलिटी के साथ दैट कनेक्शन इज स्टिल टू हैपन। ओके। अच्छा शुचिता जी, यहाँ पे एक एक बात हमने देखी थी जो कि मतलब बिग बॉस की ही बात है टेक्निकली देखा जाए। हमने देखा कि एक है टीना के साथ इक्वेशन था, पहले था, फिर नहीं हुआ, फिर अभी कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ जस्ट। अभी बहुत न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऑनेस्टली एकदम न्यूट्रल है, डजेंट मैटर। बिकॉज कई लोगों के साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आपके एनर्जीज कभी मैच ही नहीं करता है। आप बहुत बार कोशिश करते हैं कि दोस्ती हो, आपके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, तो वो होता है फिर टूट जाता है, होता है फिर मनमुटाव होता है, फिर टूट जाता है। एंड आई एम अ पर्सन जिनको ओवर ईयर्स, मतलब 10 सालों से अगर मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि कोई भी हो, वो टीना हो, एक्स वाई जी कोई भी हो, कि उनके साथ रिश्ता बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, तो वो ना इमोशनली दोनों के लिए ड्रेनिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और उस टाइम पे ना फुल स्टॉप दे देना बेस्ट है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, सही गलत कौन है जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट अ फुल स्टॉप एंड लेट्स बी वेरी कॉर्डियल एंड न्यूट्रल। होली के क्या प्लान्स हैं? मतलब मुझे तो बुला के हमने कलर वाला लगा दिया है, होली खेल ली है, प्री होली खेल प्री लिया होली खेली है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? ये प्री होली का सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि इस साल पहली बार मैं इंडिया में नहीं रहूँगी होली के टाइम पे। आई एम वेरी सैड क्योंकि मुझे होली बहुत पसंद है। मैं जर्मनी में रहूँगी, सो इट इज़ अ लिटिल बिट सैड एंड हैप्पी, सॉरी अबाउट माई वॉइस। सो इट्स अ हैप्पी एंड सैड न्यूज़ टुगेदर क्योंकि इस बार मैं अपने इन लॉज के साथ होली खेलने वाली हूँ पहली बार, वाओ, तो जर्मनी में होली खेल होली रहा। खेलेंगे, कलर लेके जाएंगे। मैंने और माइकल ने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया कि वी विल बाय सम पैकेट्स ऑफ कलर्स और लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो कलर्स मिलेगा नहीं, एंड वी विल प्ले होली विद द नेबर्स एंड द इन लॉज, तो सब पे कलर लगाएंगे और होली खेलेंगे क्योंकि इंडिया में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सेलिब्रेशन बनता है ना। राइट राइट राइट। होली में ना हम देखते थे ज़्यादातर, मतलब हम तो मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ना पानी की होली खेली जाती है। वहाँ पे जो है कभी कभार तो लोग ऐसे अंडे वंडे भी डाल देते हैं। शुचिता की सबसे ज़्यादा नॉटीएस्ट होली जो कहते हैं, वो क्या एक एनेक्डोट आप शेयर करना चाहते हो फैंस के साथ? और आप लोग भी खेलते थे ऐसे पानी वाली होली, हाँ कीचड़ वाली बिल्कुल, होली, और पानी अंडा बिल्कुल। वंडा डाल देते थे? बचपन में तो अंडे नहीं मिलते थे, मम्मी डांटती थी कि अंडे चोरी करके लेके जाएगी तो अंडे नहीं मिलेंगे कल खाने में, तो बचपन में तो नहीं मिलते थे, बट कीचड़ वाली होली, पानी वाली होली हमने बहुत खेला। हाँ एक दूसरे के ऊपर पानी के बकेट्स डाल देते थे, फिर यू नो पिचकारी, जी उसमें पूरा पानी भर भर के मारते थे, वो ही अलग फन होता था कि कौन किस पे पानी मारेगा। और भागते भागते हम ड्रेन्स होते थे ना, बड़े वाले ड्रेन्स, जी 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 तो उसपे भी गिर गई मैं एक दो बार, ऐसा हुआ कि भाग रहे कुछ नहीं कि पानी डाल रहे फिर भी भाग रहे हैं, उस पर अलग ही यू नो थ्रिल थ्रिल है उसमें। जी। तो अंडे वाला भी मैंने एक बार खेला था क्योंकि अंडे इज़ गुड फॉर हेयर एंड ऑल्सो द वाइट पार्ट इज़ गुड फॉर स्किन, तो अंडे वाले होली भी खेला कि पूरा क्रेट क्रेट उठा के किसी के, बट इट स्मेल्स वेरी हाँ बहुत डिस्गस्टिंग। ज्यादा, हाँ उसे 4-5 बार नहाना पड़ता है पड़ता पूरा। है, पूरे बाल से नहीं जाता है, फिर उसके ऊपर कलर गिच पिच हो जाता है, बट क्या है, बुरा ना मानो होली होली है। है। अच्छा होली से याद है मुझे, आपकी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका आने वाली थी यहाँ पे, और क्या प्रियंका यहीं पे ही आपके यहाँ पे फ्लैट में रुकी थी वो?
नहीं नहीं वो आने वाली थी बट अभी वो रुकी हुई है अंधेरी ईस्ट में जी. और उसकी जगह पे अर्चना आई थी. ओ यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ था. अर्चना आके 2 दिन रुकी थी फिर वो बाहर गई कहीं इवेंट करने जी. तो अभी प्रियंका एक्चुअली उसके कोई फ्रेंड जो अभी बॉम्बे में नहीं है उनके घर पे रुकी हुई है अंधेरी ईस्ट में. ओके सो शी गॉट एन एम्प्टी फ्लैट द फ्रेंड इज नॉट इन बॉम्बे राइट नाउ. अच्छा प्रियंका और आपने जब बातचीत कर रहे थे हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे क्योंकि वो गर्ल टॉक होता था और हमें ना ये आपकी लाइफ में तो माइकल है ये तो हमें पता है. प्रियंका की लाइफ में कौन है वो कहते हैं ना कि मैं अपने वो के साथ आऊंगी वो कौन है वो मुझे जानना था. वो कोई है वो आई थिंक बहुत जल्दी प्रियंका ही आप लोगों को सबको बताएंगे. इतना मैं बता सकती हूँ कि बहुत गुड लुकिंग है सुंदर दिखता है सुशील है लड़का. अच्छा मैं थोड़े से हिंट्स दूँ क्या आप उसमें हाँ ना बोलोगे. हाँ जी. टीवी में काम करते हैं क्या कोई वो नहीं पता वो तो बहुत ओपन हिंट्स हो गया अब वो नहीं पता मुझे वो प्रियंका ही बता सकती पर गुड लुकिंग है लड़का सुंदर है अच्छा लड़का कम बोलता है. हाँ थोड़ा कम. अच्छा श्रीजिया जी एक और चीज चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे मैंने ये सवाल एक सुना था और मैं आपका भी जवाब जानना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी खबर आई श्रीजिता इज अपसेट विद शिव ठाकरे. शिव ठाकरे ने ये क्या कर दिया श्रीजिता के पीठ पीछे ये सारी जो चीजें हैं जो आप क्या कहना चाहेंगे उसका क्लैरिफिकेशन वो घटना क्या हुई थी एक बार जनता के सामने. वो घटना एक्चुअली बहुत ही छोटा हुआ था पर वहाँ पे पैप्स मौजूद थे शायद थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के हेडलाइन किसी ने कर दिया होगा. वो बहुत ही हमारा डिनर सीन था अब्दू के साथ. सॉरी अबाउट माई थ्रोट अगेन. तो हमारा डिनर सीन था अब्दू के साथ. वहाँ पे कोई भी कंटेस्टेंट पिए हुए नहीं थे सब होश और हवाज में थे. तो वहाँ पे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी सब लोग निकल चुके थे और काफ़ी क्राउड बढ़ रहा था. तो अब्दू वॉज द होस्ट ऑफ द पार्टी क्योंकि उन्होंने डिनर के लिए सबको बुलाया था. तो अब्दू जब गाड़ी से निकल रहा था उससे पहले उसने मुझे बोल के निकला कि सब निकलो अभी निकलो बिकॉज क्राउड इज गैदरिंग इट्स नॉट सेफ सो आप निकल जाओ. तो मैं एक्चुअली शिव को बुला रही थी कि चल 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 अब निकलते हैं. वो शायद फैंस के साथ फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे तो उन्होंने कुछ जेस्चर कर दिया मेरे पीठ पीछे. जब वो नहीं निकले तो मैंने उनका हाथ छोड़ के मैं निकल गई क्योंकि मेरी गाड़ी आ गई थी और काफ़ी रात हो चुका था ऑलरेडी 1:30 हो चुका था. पार्टी डिनर सीन ख़त्म हो चुका था. एवरीबडी लेफ्ट एक्सेप्ट मी शिव एंड माइकल और अब्दू भी निकल चुका था. तो उन्होंने कुछ जेस्चर किया जो मुझे पता नहीं था. अगले दिन मैंने मीडिया में देखा तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगा. तो उसके बाद शेखर सुमन जी के पार्टी थे वहाँ पे मैंने उसको दे धनादन सुनाया कि तूने दोस्ती की मजाक की ये क्या मजाक वाली बात होती है ये क्या होता है तूने ऐसे क्यों किया इससे क्या मतलब होता है तूने क्या समझाने की कोशिश की. तो उसने बोला अरे ब्रो मैंने तो सोच समझ के नहीं किया मैंने बस कर दिया. तो मैंने बोला तुझे पता नहीं है कैमरा के सामने क्या कर रहा है. तो अपना बहुत ही फ्रेंडली और ब्रो कोड में एक आर्ग्यूमेंट हुआ जी. मैंने उसको बहुत सुनाया बट ही सेड सॉरी टू मी. ही वॉज वेरी अपसेट वेरी सैड अबाउट द इंसिडेंट. उसने सॉरी बोला मुझे कई बार सॉरी बोला एंड इवन ही फील सॉरी अबाउट वॉट ही डिड बिहाइंड माई बैक. दैट जेस्चर उनको नहीं करना चाहिए था. तो एक्चुअली हमारे बीच में ना एक ब्रो कोड है तो वो थोड़ा सा उसने लिमिट क्रॉस कर लिया था वो ब्रो कोड का. अच्छा okay. उसको कभी कभी लगता है कि मैं उसके हॉस्टल की कोई लड़का हूँ तो वो मेरे साथ हॉस्टल वाली बात कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो ऐसा उसको फीलिंग आती है. चलिए वो भी इशारे कर रही हैं मैडम. तो लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में गाड़ी कहाँ तक पहुँची है और प्लस प्रोफेशनल लाइफ में गाड़ी कहाँ जा रही है. प्रोफेशनल लाइफ में ना गाड़ी कुछ 3-4 गाड़ियाँ आई हुई है रुकी हुई है एक स्टॉप में. अच्छा आप बेसिकली वेट करो कौन सी गाड़ी पकड़ूँ. हाँ कौन नहीं मतलब क्या बेस्ट रहेगा अभी इस वक्त मेरे करियर के लिए क्योंकि मैं फैंस और दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ आई एम वेरी मच इन इंडिया. शादी के बाद मैं कहीं बाहर नहीं सेटल हो रही हूँ. मैं यहीं पे रहूँगी और आगे के 4-5 साल तक काम करना चाहती हूँ बिफोर आई एम मेकिंग फैमिली एंड ऑल. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू पिक अप द राइट प्रोजेक्ट विच वुड बी बेस्ट फॉर माई करियर. सही प्रोजेक्ट उठाना सही किरदार निभाना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए या सही रियलिटी शो पकड़ना और
पर्सनल लाइफ की गाड़ी अभी एंगेजमेंट हो चुकी है, अभी शादी है 1 जुलाई को. आप सब इनवाइटेड हैं. बिल्कुल आऊंगा मैं, और नागिन डांस तो मैं ही करूंगा वहां पे. बिल्कुल. तो दोस्तों ये हैं शुचिता डे और हम उनके साथ खेल रहे हैं रंगारंग होली. फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूँ होली की हार्दिक बधाइयाँ और हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली.